आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे भारत देश के एक डरावने रेलवे स्टेशन की कहानी, जो बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब स्टेशन से ट्रेन गुजरती है, तब ट्रेन ड्राइवर्स अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ा लेते हैं और स्टेशन आने से पहले ही अंदर बैठे सारे पैसेंजर्स खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। और शाम को सूर्यास्त के बाद यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। इस डरावनी जगह का नाम है बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन। बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में आता है। ये स्टेशन पिछले 42 सालों से बंद है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर अजीबोगरीब की डरावनी गतिविधियाँ या माना जाए तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। इसे लेकर एक कहानी बड़ी प्रचलित है कि 1960 में यहाँ एक स्टेशन मास्टर रहता था, उसका नाम था मोहन। मोहन हर रात को एक लड़की को ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हुए देखता था, और ये एक बार नहीं, वो बार बार यही चीज़ हर रात देखता था। कभी उस रेलवे ट्रैक की पटरी पर चलते हुए, तो कभी उन पटरियों पर नाचते हुए। और हर दिन उसका लिबास सेम हुआ करता था, सफ़ेद साड़ी और हाथ में काला पर्स। अजीब बात तो ये थी कि वो हमेशा उसे ट्रेन पकड़ते हुए देखता था, लेकिन उसकी ट्रेन हमेशा छूट जाया करती थी। लेकिन एक रात उसकी आंखों ने बहुत डरावनी घटना घटित होते हुए देखी। उसने देखा कि वो लड़की ट्रेन की स्पीड को मैच करते हुए ट्रेन के साथ भाग रही है। इसको देखकर मोहन काफ़ी डर गया। मोहन ने अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को भी बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर एक दिन मोहन और उसकी फैमिली स्टेशन क्वार्टर के सामने मरे पड़े हुए मिले। ये हादसा देखकर वहाँ के वर्कर्स ने एक एक करके रिज़ाइन करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये शब्द रखे कि उन्हें इस जगह से ट्रांसफ़र चाहिए। वैसे आपको बता दें कि बहुत से लोगों ने ऐसी घटनाएं होते हुए देखी। इस घटना के बाद लोग इस तरह से डरने लगे कि सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई रुकना नहीं चाहता था। लोग इतना डरते थे कि शाम होते ही स्टेशन और आसपास के इलाकों से भाग जाया करते थे। इन खौफनाक घटनाओं के बाद बेगुन कोदार को भूतिया रेलवे स्टेशन कहा जाने लगा। हालांकि 42 साल के बाद यानी साल 2009 में गांव वालों के कहने पर तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर इस स्टेशन को खुलवाया। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर भूत तो नहीं देखे गए, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर रुकते नहीं हैं। फिलहाल यहां करीब 10 ट्रेनें रुकती हैं, वो भी दिन के टाइम पर। रात को 5 बजे के बाद सारे वर्कर्स और कर्मचारी सब यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ के MLA और मंत्री भी यही बोलते हैं कि यह जगह श्रापित है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इस लड़की के यहाँ भटकने की कहानी क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ के किसी भी लोकल से मिलोगे तो वो यही बताएगा कि यहाँ पर एक गांव की लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए रात को जब ट्रेन पर चढ़ रही थी, तब वो पटरियों के नीचे आकर कुचला गई और वहीं पर उसकी मौत हो गई, और यही कारण है इसके यहाँ भटकने का। बहुत लोगों ने तो ये भी दावे किए हैं कि वो लड़की तभी दिखाई देती है जब ट्रेन आती है। तब से इंडियन रेलवेज ने यहाँ फैसला लिया कि स्टेशन को परमानेंटली बंद कर दिया जाए और कोई ट्रेन यहाँ से नहीं निकलेगी, और 1967 से स्टेशन की जगह को ताला लगा दिया गया। तब से स्टेशन वीरान हो गया है। इस जगह का रिकॉर्ड रेलवे में आज भी एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के रूप में दाखिल किया गया है। आपका क्या मानना है दोस्तों? तो सही में आप इस जगह को भूतिया रेलवे स्टेशन मानते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।